केकेआर वर्सेस एसआरएच क्वालिफायर वन था और हम सब ने यही सोचा था कि बहुत ही हाई स्कोरिंग मैच होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होगा, लेकिन वन साइडेड मैच हुआ है, वन साइडेड मैच हुआ है। एसआरएच के जितने भी वीकनेसेस थे सब एक ही दिन में एक्सपोज हो गए। देखो एसआरएच के लिए उनके मेन एसेट, उनके टॉप ऑर्डर्स ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, नीतीश रेड्डी और क्लासन, अगर ये चार जल्दी आउट हो जाए तो उनके लोअर मिडिल ऑर्डर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं देता है। लेकिन आप केकेआर को देख लो, अगर उनके टॉप ऑर्डर जल्दी आउट भी हो जाए, उनके लोअर मिडिल ऑर्डर पे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस बैट्समैन है उनके लोअर मिडिल ऑर्डर पे, रिंकू सिंह, रसेल, रमनदीप। तो अगर गिवन डे पे आपको केकेआर को हराना है, यू हैव टू आउटस्मार्ट देम इन ऑल द डिपार्टमेंट्स। बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेलना पड़ेगा अगर आपको केकेआर को हराना है। क्या कल पैट कमिंस थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट था? क्योंकि अहमदाबाद में मैच था, बहुत ही हाई स्कोरिंग ग्राउंड है और एक ग्राउंड चेजिंग ग्राउंड रहा है हमेशा, कोई भी कैप्टन इस ग्राउंड पे चेस करना चाहता है। और मैथ्यू हेडन पिच रिपोर्ट पे कहते हैं कि गुड लेंथ एरिया पे थोड़ा सा मॉइस्चर है, इसका साफ साफ एक ही मतलब निकलता है कि पेसर्स को नए बॉल से मूवमेंट मिलने वाला है। और फिर भी पैट कमिंस ने टॉस जीत के पहले बैटिंग चुना है, बहुत ही सरप्राइजिंग डिसीजन था। लेकिन मुझे लगता है कि पैट कमिंस ने इसलिए पहले बैटिंग लिया है क्योंकि उनका स्ट्रेंथ है पहले बैटिंग करके बड़ा स्कोर खड़ा करना और ओपोनेंट को प्रेशर में डालना। लेकिन सवाल यह है कि पैट कमिंस कितना बड़ा स्कोर सोच रहे थे, कितना बड़ा स्कोर पैट कमिंस सोच रहे थे? अगर एसआरएच 220 225 भी बनाता इस ग्राउंड पे तो केकेआर आराम से चेस कर लेता इस ग्राउंड पे। क्या पैट कमिंस 240 250 सोच रहे थे? अगर पैट कमिंस 240 250 सोच रहे थे तो मतलब पैट कमिंस ओवर कॉन्फिडेंट था, क्योंकि केकेआर के इस बॉलिंग अटैक के सामने 240 250 करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो मेरे हिसाब से तो टॉस जीत के फील्डिंग चुनना चाहिए था, और श्रेयस अय्यर भी टॉस पे ही कहते हैं कि अगर हम टॉस जीते तो मैं तो बॉलिंग ही करता पहले। तो श्रेयस अय्यर को जो चाहिए था वो उसको मिल गया। एसआरएच के प्लेइंग 11 में राहुल त्रिपाठी आ गया था और संदीप सिंह बाहर हो गया था, तो राहुल त्रिपाठी आ गया, इसका मतलब है सेकेंड इनिंग्स पे एज एन इम्पैक्ट उनदकट ही आएगा। साफ साफ यही मतलब था कि उनदकट सेकेंड इनिंग्स पे आएगा एज ए बॉलर, क्योंकि प्लेइंग 11 में सिर्फ चार ही रेगुलर बॉलर्स थे। केकेआर के लिए फिल सॉल की जगह गुरबत आ गया था। अब ओपनिंग करने आते हैं अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड। स्टार्क का पहला बॉल बाहर की तरफ जाता है, दूसरा बॉल फुल लेंथ पे बॉल, ट्रेविस हेड का ना कोई फुटवर्क था, बॉडी से दूर खेल गया और क्लीन बोल्ड ट्रेविस हेड। अब स्टार्क का तीसरा बॉल इन स्विंगर था जो त्रिपाठी की बैट पे लग के पैड पे लगा। साफ साफ स्टार्क को बहुत ज्यादा मूवमेंट मिल रहा था, वो हमें दिख रहा था। जो हम कहते हैं कि स्टार्क बड़े मैच का प्लेयर है, कल स्टार्क ने फिर से पॉइंट प्रूव कर दिया है। इस ओवर के लास्ट दो बॉल पे दो चौका आ जाता है त्रिपाठी की बैट से, लेकिन जो लास्ट वाला चौका था वो तो कैच था, बैकवर्ड पॉइंट पे नरेंद्र था, अगर कोई और फील्डर होता तो शायद वो आराम से कैच पकड़ लेते। अब सेकेंड ओवर के लास्ट बॉल पे वैभव अरोरा अभिषेक शर्मा को आउट कर देता है। अभिषेक शर्मा ड्राइव करना चाहता है, टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं था और रसल का एक अच्छा कैच। अब थर्ड ओवर पे मिचेल स्टार्क एक इन स्विंगिंग यॉर्कर डालता है जो टो पर जाकर लगता है त्रिपाठी का, क्लीन LBW था, बस स्टार्क ने अपील किया, किसी ने रिव्यू नहीं लिया, अगर रिव्यू लेता तो त्रिपाठी तब तक आउट हो जाता और शायद ऐसा 120 तक भी नहीं पहुंचता। अब इधर एक बात है कि जनरली श्रेयस अय्यर स्टार्क को पावर प्ले में दो ही ओवर देता है, लेकिन कल श्रेयस अय्यर स्टार्क को पावर प्ले में तीसरा ओवर भी देता है। ग्रेट कैप्टेंसी, क्योंकि स्टार्क को बहुत ज्यादा मूवमेंट मिल रहा था और श्रेयस अय्यर वेंट फॉर विकेट्स, उनको स्टार्क को ओवर बचाकर नहीं रखना चाहिए था और उन्होंने रखा भी नहीं है, उनको विकेट चाहिए था, उन्होंने पावर प्ले में स्टार्क को तीसरा ओवर दिया। स्टार्क एक वेल डायरेक्टेड शॉर्ट पिच डिलीवरी मारता है नीतीश रेड्डी को, टॉप एज और गुरबाज के लिए इजी कैच। अब इधर एसआरएच और एक गलती करता है, शहबाज अहमद को भेजता है बैटिंग करने के लिए। देखो प्रॉब्लम यही है, अगर आपके मिडिल ऑर्डर पे एक ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसका डिफेंस बहुत अच्छा है, जो गेम को थोड़ा सा रोक के रख सकता है, अगर ऐसा बैट्समैन नहीं है फिर यही हाल होता है, शहबाज अहमद को भेजना पड़ा। लेकिन मैं फिर भी क्लासन को भेजता, इसलिए कि क्लासन इज ए प्रॉपर बैट्समैन, वो बस फिनिशर नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि एसआरएच के नेक्स्ट मैच पे शायद मार्करम आ जाएगा प्लेइंग 11 में, क्योंकि अगर टॉप ऑर्डर इतना जल्दी आउट हो जाता है तो एक मार्करम ही है जो गेम को थोड़ा सा
रोक के रख सकता है। शहबाज अहमद आया और पहली बॉल पे बोल्ड, पहली बॉल पे बोल्ड। 5 ओवर के बाद एसआरएच का स्कोर होता है 39 for 4, 39 for 4। अगर 39 for 4 से एसआरएच को रिकवर करना था तो उधर से क्लासेन और राहुल त्रिपाठी को एटलीस्ट 14-15 ओवर तक बैटिंग करना था। पावर प्ले के बाद एसआरएच का स्कोर होता है 45 for 4। 8th ओवर पे हर्षित राणा 12 रन देके जाता है, 9th ओवर पे सुनील नारिन 18 रन देके जाता है और 10th ओवर में रसेल 12 रन देके जाता है। 10 ओवर के बाद एसआरएच का स्कोर होता है 92 for 4 और लग रहा था कि थोड़ा बहुत रिकवरी होने वाला है, लेकिन 11th ओवर में वरुण चक्रवर्ती आके क्लासेन का विकेट लेके जाता है। एक बड़ा शॉट खेलने जाता है डीप मिड विकेट के उधर से, जो ग्राउंड का सबसे बड़ा साइड था, ग्राउंड का सबसे बड़ा साइड था, उधर शॉट खेलता है क्लासेन और रिंकू के लिए एक इजी कैच था। केकेआर के लिए बहुत बड़ा विकेट था क्लासेन का विकेट। इधर अब्दुल समाद बैटिंग करने आता है, आके 2 छक्का लगाता है, फिर अब्दुल समद बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक कट खेलते हैं, रसेल का बेहतरीन फील्डिंग, राहुल त्रिपाठी आधा दौड़ के पिच पे खड़ा हो गया। अगर वो दौड़ जाता तो रन मिल जाता, क्योंकि रसेल को थोड़ा बहुत टाइम लग गया था ये फिगर आउट करने में कि कौन से एंड पे मैं थ्रो करूं। राहुल त्रिपाठी खड़ा होकर देख रहा है कि रसेल कैसा फील्डिंग कर रहा है। अगर वो पहली कॉल पे आंख बंद करके भाग जाता तो रन मिल जाता, लेकिन राहुल त्रिपाठी ने एक अच्छा इनिंग्स खेला है, 35 बॉल्स पे 55, बहुत ही अच्छा इनिंग्स था। अब इधर एसआरएच और एक बहुत बड़ा गलती करता है कि एक्स्ट्रा बैट्समैन को भेजता है एज एन इंपैक्ट प्लेयर, सनवीर सिंह को भेजता है बैटिंग के लिए। इधर पैट कमिंस को आना चाहिए था, पैट कमिंस को आना चाहिए था बैटिंग के लिए, लेकिन भेजता है सनवीर सिंह को। अगर पैट कमिंस आता, पैट कमिंस को बैटिंग आता है, पैट कमिंस को अच्छा खासा बैटिंग आता है, अगर पैट कमिंस तब बैटिंग करने के लिए आता तो एसआरएच के पास सेकेंड इनिंग्स पे एक बॉलर होता एक्स्ट्रा, जो अब उनके पास नहीं रहा क्योंकि सनवीर सिंह आ गया था। और सनवीर सिंह को पहली बॉल पे नरेन बोल्ड कर देता है, पहली बॉल पे। अब 15th ओवर पे हर्षित राणा अब्दुल समद का विकेट लेके जाता है। अब्दुल समद के पास एक ही गेम है, वो है छक्का मारना। अब्दुल समद के पास ग्राउंड शॉट खेलने का कोई कैलिबर ही नहीं है, वो ग्राउंड शॉट खेलता ही नहीं है, ऊपर से मारने का ट्राई करता है कैच आउट। 15th ओवर के बाद एसआरएच का स्कोर होता है 125 for 8, मतलब गेम उधर ही खत्म हो गया था। अब इधर से पैट कमिंस थोड़ा बहुत बैटिंग कर लेता है, तब जाके एसआरएच का स्कोर पहुंचता है 159 तक। मिचेल स्टार्क 34 रन देके 3 विकेट। एसआरएच ये मैच एक ही तरीके से जीत सकते थे कि पावर प्ले में 3-4 विकेट ले ले, क्योंकि केकेआर तो सिंगल डबल लेके भी ये मैच जीत ही जाएगा। ओपनिंग करने आता है गुरबाज और नरिन, और गुरबाज उसी इंटेंट के साथ बैटिंग करता है जिस इंटेंट के साथ फिल सॉल्ट बैटिंग करता था। सेकेंड ओवर डालना आता है कमिंस, उस ओवर पे 20 रन। 3rd ओवर पे भूवी आके 18 रन देके जाता है और 3rd ओवर तक एसआरएच के दोनों रिव्यूज भी खत्म। इससे बुरा दिन एसआरएच के लिए जा ही नहीं सकता था, जा ही नहीं सकता था। 4th ओवर पे नटराजन आके गुरबाज को आउट कर देता है, उसके बाद वेंकटेश आयर और नारिन बहुत ही स्मूथली बैटिंग करता है। पावर प्ले के बाद केकेआर का स्कोर था 63 for 1। 7th ओवर पे पैट कमिंस एक शॉर्ट बॉल डाल के नारिन को आउट कर देता है। अब इधर से दोनों आयर ने मिलकर बेहतरीन बैटिंग किया है, श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर ने। 8th ओवर पे 11 रन, 9th ओवर पे 11 रन, 10th ओवर पे 11 रन। उस ओवर पे श्रेयस अय्यर का कैच क्लासन ने पकड़ भी लिया था, लेकिन राहुल त्रिपाठी का पैर आके क्लासन के ग्लव्स के साथ कोलाइड होता है और बॉल ग्लव्स से निकल जाता है। अब 11th ओवर पे श्रेयस अय्यर का एक इजी कैच ट्रेविस हेड छोड़ देता है, उस ओवर पे 12 रन। 12th ओवर डालना था ट्रेविस हेड, सोचो क्या दिन आया कि हेड को बॉल देना पड़ा, उस ओवर में भी 10 रन। 13th ओवर पे 13 रन। 14th ओवर फिर से डालना था ट्रेविस हेड, पहले 4 बॉल पे 22 रन, पहले 4 बॉल पे 22 रन। केकेआर ये मैच 8 विकेट से जीत जाता है और आईपीएल 2024 का फर्स्ट फाइनलिस्ट है केकेआर। वेंकटेश आयर 28 बॉल 51 ब्रिलियंट नॉक, श्रेयस अय्यर 24 बॉल 58 ब्रिलियंट नॉक। 2 कैच जरूर छूटा है, लेकिन श्रेयस अय्यर ने बेहतरीन बैटिंग की है, बेहतरीन बैटिंग की है। एसआरएच एक गेम में था ही नहीं, ऐसा एक मोमेंट नहीं है जहां पे लगा कि एसआरएच फाइट दे रहा है, एक भी मोमेंट ऐसा नहीं आया कि लग रहा है कि एसआरएच फाइट दे रहा है। देखो अगर केकेआर आईपीएल जीत जाता है तो 90% क्रेडिट जाएगा गौतम गंभीर को और 10% जाएगा श्रेयस अय्यर को, बट श्रेयस अय्यर एज ए कैप्टन इज नॉट बैड एट ऑल, क्योंकि 2020 में भी श्रेयस अय्यर दिल्ली को फाइनल में लेके गया था और कल तो बॉलिंग चेंजेस सुपर्ब थे, कल फील्ड प्लेसमेंट और बॉलिंग चेंजेस दोनों सुपर्ब थे।
एसआरएच लकी है कि एसआरएच के पास और एक मौका है जो चेपॉक में मैच होने वाला है, लेकिन उस मैच पे शायद एसआरएच के प्लेइंग 11 में बहुत सारे चेंजेस होने वाला है। एटलीस्ट दो चेंजेस तो होगा ही होगा, लेकिन एसआरएच के हर एक प्लेयर्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा क्योंकि कल का मैच बहुत ही गंदा क्रिकेट खेला है एसआरएच ने। तो देखते हैं कि अंडर प्रेशर एसआरएच नेक्स्ट मैच में क्या करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।